जो है ओंकार शब्द मूल चैतन्य का, सब वेदों में जिसकी महिमा गाते हो वो प्रणव ओंकार शब्द खय पुरुषम नृषु, ये हम जो आकाश है उसमें दो प्रकार के शब्द, एक नित्य एक खंड, जब तक कहते आंख में जीव है नाक में, ऐसा भगवत सत्ता मानने से भगवत प्राप्ति सहज में होती है और दुख का प्रभाव कम पड़ता है, सुख का प्रभाव भी कम पड़ता है। जिसको जरा जरा दुख बड़ा दुख लगता है वो निगुरा है, मूर्ख है। जितना दुख का प्रभाव ज्यादा पड़ता है उतना वो छोटी बुद्धि का है। जैसे बच्चे होते हैं ना, जरा सा नाल कटाई दे दो, पीस दे दो, जरा सा खोल दे दो, बहुत खुश हो जाए। सब मित्रों को राम राम। दोस्तों आज 1 अगस्त 2023 शाम को मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने ओमाई गॉड 2 को लेकर एक नई अपडेट पढ़ी। सेंसर बोर्ड ने फिल्म में 27 कट्स लगाए हैं और ए सर्टिफिकेट फिल्म को दिया है। पहले 20 कट्स की बात हो रही थी पर अभी पूरे 27 कट्स लगाए गए हैं और साथ में ही अक्षय कुमार का जो पात्र है उसे भगवान शिव जी से बदलकर मैसेंजर ऑफ गॉड में बदलने के लिए सेंसर बोर्ड ने कहा है। हालांकि मैसेंजर ऑफ गॉड ये कंसेप्ट अब्राहमिक रिलीजन्स का है, सनातन संस्कृति में ऐसा कोई भी कंसेप्ट नहीं है। सनातन संस्कृति में ईश्वर अवतार लेते हैं, इसको लेकर मैंने कल विस्तार से हमारी इस वीडियो में चर्चा की थी। अकबर बिरबल की एक कहानी भी मैंने उसमें बताई थी, वो हमारा कल का ही वीडियो आप अवश्य देखना। पर ये सारे चेंजेस सेंसर बोर्ड ने करने के लिए कहे हैं। मैंने जब अभी वो पूरी लिस्ट में पढ़ रहा था कहाँ कहाँ पर क्या क्या चेंजेस करने के लिए कहे हैं, वो जब पूरी लिस्ट में पढ़ रहा था तो सच में अंदर से इतनी पीड़ा हो रही थी, इतना डिस्गस्टेड में अंदर से फील कर रहा था, पढ़ा भी नहीं जा रहा था। मतलब इतनी विकृत, इतनी घटिया, इतनी घिनौनी मानसिकता से कोई ऐसे डायलॉग्स कैसे लिख सकता है, या जो कुछ भी वो चेंजेस सेंसर बोर्ड ने करने के लिए कहे हैं वो मानसिक विकृति की पराकाष्ठा उसको हम कह सकते हैं। इससे गिरी हुई मानसिकता नहीं हो सकती। मतलब अभी तक हमने ओमाई गॉड 2 को लेकर जो जो भी कुछ अलग अलग मीडिया आर्टिकल्स के माध्यम से बातें पढ़ी थी उसमें जितना भी मैंने कहा था, जितनी चिंता व्यक्त की थी, उससे भी कई ज़्यादा भयावह भयानक मानसिकता की ये फिल्म लग रही है। और मैंने हमेशा शुरुआत से कहा है कि भाई सेक्स एजुकेशन हो या ये मास्टरबेशन का सो कॉल्ड स्टिग्मा ये दूर करने की बात कर रहे हैं, आपको जो भी बात प्रमोट करनी है करिए, पर हमारी आस्था को और छोटे बच्चों को कम से कम इससे दूर रखना चाहिए। अब ए सर्टिफिकेट तो दे दिया है पर आज के डिजिटल युग में ए सर्टिफिकेट की बात तो बस वो थिएटर तक सीमित है, बाद में तो OTT पर अवेलेबल हो ही जाएगी। और विषय ही छोटे बच्चे को लेकर लिया गया है, सेक्स एजुकेशन के महत्व, कथित महत्व को लेकर फिल्म का विषय है, तो जो वो थीम है वही प्रॉब्लमेटिक है। भले ही थिएटर में ए सर्टिफिकेट के साथ रिलीज़ हो पर मैं अभी बहुत कुछ बोलना चाहता हूँ, पर देखिए अभी मैं अपने मेरे गुरुदेव के आश्रम में हूँ और सच में कुछ गलत शब्द ऐसा बोलना नहीं चाहता। पर जो भी है, ईश्वर सबको सद्बुद्धि दे और कर्म की गति बड़ी गहन होती है, उसका फल अवश्य मिलता है। देखिए आज से ठीक 3.25 वर्ष पहले 8 मार्च 2020 को मैंने वीडियो अपलोड करके आपको बताया था कि मैं अनुष्ठान के लिए जा रहा हूँ, कुछ दिन तक वीडियोस अपलोड नहीं कर पाऊँगा। तो अभी मैं फिर से कल 2 अगस्त से 7 दिन के अनुष्ठान के लिए जा रहा हूँ। हालांकि काफ़ी लंबा समय हो गया, 3 वर्ष से भी अधिक समय, वैसे देखा जाए तो हर वर्ष ही जाना चाहिए पर पॉसिबल नहीं हो पाया था। एक तो 8 मार्च 2020 को मैं अनुष्ठान के लिए गया और 17 मार्च को जब मैं बाहर आया 18 मार्च को तो पता चला कि भाई अब तो लॉकडाउन की तैयारी हो रही है देश में।
तो उसके बाद तो फिर लॉकडाउन, कोरोना वगैरह वगैरह सब वो होता रहा, और उस कारण से फिर वो नहीं पॉसिबल हो पाया अनुष्ठान के लिए जाना। और अभी अभी 3.25 वर्षों के बाद में आज मैं फिर से अपने गुरुदेव के आश्रम में आया हूँ। इतना पवित्र वातावरण है। और पर वो अभी जस्ट मैंने न्यूज़ पढ़ी थी ओ माय गॉड 2 की, तो बस शुरुआत में थोड़ा सा उसके बारे में चर्चा की। पर देखिए, आने वाले कुछ दिनों तक मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊँगा। गुरुदेव के आश्रम में इतने पवित्र वातावरण में सामने गुरुदेव का, मेरे गुरुदेव पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू जी का श्री चित्र है। तो देखिए, फिल्में देखना, वो गंदगी, मन इतना मैला हो जाता है कि उससे बाहर निकलना, अपने मन को शुद्ध करना आवश्यक होता है। बस अब ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं। अभी जो फ़ोन है वो जमा होने वाला है। आने वाले 7 दिनों तक कोई फ़ोन नहीं, और मैं मौन भी रहने वाला हूँ 7 दिनों तक आने वाले। बाकी अनुष्ठान के बारे में हो सके तो पूरा होने के बाद मैं आपको पूरी जानकारी देने का प्रयास करूँगा। और आज सुबह जब मैं आश्रम में आया था, तो आश्रम के वातावरण में आते ही एकदम से मन इतना पवित्र और इतनी शांति मन को, हृदय को मिलती है कि वो शब्दों में वर्णन नहीं की जा सकती। तो देखिए, अभी कल ओ माय गॉड 2 का ट्रेलर भी रिलीज़ होने वाला है, मैं तो बात नहीं कर पाऊँगा। पर आप सभी मित्र, चर्चा करना, बात करना, और जो कुछ हमारी आस्था का उपयोग करके हमारी भावनाओं को एक्सप्लॉइट करने का जो प्रयास कोई कर रहा हो अगर, तो उसके बारे में बात करना आवश्यक है। ऐसा नहीं कि कुछ ऐसा भजन या कोई ऐसा हर हर महादेव ऐसा जय घोष कोई लगा दे और हमारी भावनाओं को कोई एक्सप्लॉइट करके चला जाए पैसे कमाने के लिए। इस प्रकार से कोई हमारा, हमें बेवकूफ़ बनाए, हमारी भावनाओं को एक्सप्लॉइट करे, इससे ज़्यादा दूसरा बड़ा पाप कोई हो नहीं सकता। तो बस भावनाओं में बहने की अपेक्षा आप सभी मित्र चर्चा करना। देखिए, इतने वर्षों से मैं बताता आया हूँ आप सभी मित्रों को। बाकी सभी मित्रों को एक बार फिर से जय श्री राम, वंदे मातरम।